नमस्कार, इस समय हम रामपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत सिद्धवन पर उपस्थित हूँ। आप जैसा देख सकते हैं, यह सामुदायिक शौचालय बना हुआ है और यह लाखों रुपए की लागत से सामुदायिक शौचालय बना है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ साफ सफाई की क्या व्यवस्था है। यहाँ घास का अंबार लगा हुआ है। दूसरी तरफ मैं आपको यह दिखाना चाहूँगा, ये देखिए शौचालय है, यहाँ ताला लटका हुआ है और ग्रामीणों का आरोप है कि शौचालय में हमेशा ताला लटका रहता है, ताला खुलता ही नहीं। मैं दूसरी तरफ आपको यह दिखाना चाहूँगा कि देखिए यह है, यह पानी की व्यवस्था है, इसकी पाइप वगैरह टूटी फूटी जैसी हालत में पड़ी हुई है। यह महत्व चल भी नहीं रहा है, इसके बारे में भी मैं ग्रामीणों से पूछूँगा। यहाँ देखिए यह भी ताला लटका हुआ है, आप खुद देख सकते हैं, इधर भी पूरा झाड़ झंखाड़ लगा हुआ है। और जबकि यह सामुदायिक शौचालय जब ग्राम पंचायत में बनना शुरू हुआ तो ग्रामीणों की आज जगी कि कम से कम बच्चे और महिलाओं को बाहर नहीं, खुले में शौच नहीं करना पड़ेगा और यह घर की इज्जत है शौचालय, और शौचालय बनने से बड़ी खुशी जाहिर हुई थी। दूसरी तरफ मैं आपको यह दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ भी एक दरवाज़ा है, इस पर भी ताला लटका हुआ है, इस पर भी ताला लटका हुआ है। यह देखिए शौचालय का एक टुकड़ा बना हुआ है। सबकी स्थिति जर्जर बनी हुई है। मैं इस संदर्भ में ग्रामीणों से भी बात करना चाहूँगा कि क्या है स्थिति शौचालय का और क्यों नहीं खुलता ताला। मैं जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश डब्बू चौबे। यह शौचालय में क्यों ताला बंद है, यह खुलता नहीं क्या? कभी नहीं खुलता, जब से बना है इसमें जो है ताला लगा हुआ है। आखिर क्यों, ऐसा क्यों? पता नहीं क्यों, जो है उसको प्रधान जी बता सकते हैं। जो है इस पे तो नियुक्ति हुई होगी लोगों की, साफ सफाई के लिए कोई भी यहाँ पे नहीं आता और महिलाएं जो है खुले शौच में जो है मैदान करने जाती हैं। आए दिन जो है बरसात का मौसम है, दुर्घटना हो सकता है, इसके लिए जो है जिम्मेदार कौन होगा? इस संदर्भ में आपने प्रधान से बात? प्रधान से हमने कहा तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ समूह का गठन हुआ है, समूह लोग जो है साफ नहीं करते, मैं क्या करूँ। हमारे साथ एक बाबा जी हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा क्या व्यवस्था है इस शौचालय की। व्यवस्था यही है, वो ताला हरदम लटका रहता है, प्रधान जी खोलते नहीं। यहाँ साफ सफाई भी नहीं है? कुछ नहीं है, साफ सफाई कोई नहीं आता। अच्छा, क्या ये जो समर सेबुल लगा है उसका पानी वगैरह चलता है? नहीं, मैं क्या नाम है आपका? कृपा शंकर चौबे। क्या व्यवस्था है इस व्यवस्था इसमें? कुछ नहीं है। जब यह शौचालय बन रहा था तो आप लोगों की क्या उम्मीद जगी थी? उम्मीद जगी थी कि साफ सफाइया रहेगा यहाँ और हम लोग आएंगे जाएंगे, महिला लोग जो खेत में जाती हैं बेचारी, जिसको संडास नहीं है, बाथरूम नहीं है अभी तक, वो क्या करेंगी, तो इसमें आती थी वो लोग। लेकिन समर सेबुल भी नहीं चल रहा ना, पानी की व्यवस्था कुछ नहीं है, जगह हम लोग की है, हम लोग अपना जगह दे के बनवाए। आपका क्या नाम है? संतोष जी, क्या व्यवस्था है इस शौचालय की, ऐसा क्यों हो रहा है व्यवस्था? आपने प्रधान जी से बात किया था? नहीं। अच्छा, तो ये ताला वाला इसका खुलता है? नहीं, ताला खुलता ही नहीं, जब से बना तो खुलता ही नहीं। बताइए, सरकार की लाखों रुपए की लागत से शौचालय बना था? हाँ जी हाँ। और जब शौचालय बना था तो लोगों की यही उम्मीद जगी होगी कि जो महिलाएं और बच्चे खुले में शौच करते हैं उनके लिए शौचालय बनने से काफी जो है सहूलियत महसूस होगा, खुले में उनको शौच नहीं जाना होगा। लेकिन ये जस का तस पड़ा है, बंद है। राजेश ले लेता हूँ। राजेश, क्या नाम है आपका? राजेश। क्या है ये शौचालय में ताला क्यों लगता है? अभी तो जो बता रहे हैं वही सच्चे हैं। सच्चाई वही है, वही है कि जब से शौचालय बना है ताला ही लटका है। हम तो कुछ दूर के हैं, बाकी आते जाते देखते हैं ताला ही लटका है। और यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, कोई नरेगा वाला आता ही नहीं सर। बहुत ये देखिए ग्रामीणों का कहना है कि जब से यह शौचालय बना है तब से आज तक ताला खुला ही नहीं, और जिस समय शौचालय बन रहा था ग्रामीणों की यह उम्मीद जगी थी कि महिलाएं बच्चे जो खुले में शौच करने के लिए जाते हैं इससे छुटकारा मिल जाएगा और महिलाएं बच्चों के लिए यह सुरक्षित स्थान रहेगा और खुले में शौच करना नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं यह प्रधान और विभागीय कर्मचारियों का उपेक्षा का शिकार हो रहा है शौचालय। लाखों रुपये की लागत से बना शौचालय ताला लटका हुआ है और कहीं ना कहीं यह सरकार की जो लाखों रुपए की लागत से बनी शौचालय, यह एकदम कहने का मतलब कि कोई भी उपयोग में नहीं समझ में आ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इसकी शिकायत हमने प्रधान से कहा भी, सेक्रेटरी से भी किया और सचिव से भी कहा, लेकिन इस पर कोई ध्यान
नहीं दे रहा है। क्या आपने सचिव से भी बात किया? मैंने सिक्रेटरी, इसके पहले जो सिक्रेटरी हमारे यहाँ थे उनका ट्रांसफर हो गया, मैंने उनसे कहा था, उन्होंने कहा कि धन हमारे यहाँ मुक्त हो गया है, इसकी जो है साफ सफाई जो है सुंदरीकरण के लिए काम करेंगे, इसके बाद उनका कुछ पता ही नहीं चला। एक तरफ सरकार ये जो है चला रही है स्वच्छता अभियान, स्वच्छता के बारे में आप खुद देख सकते हैं शौचालय के पास कितनी गंदगी लगी हुई, पूरा गंदगी का अंबार है। इसके अंदर ताला अगर खोल के देखा जाए तो इसके अंदर और समस्या है। एक तरफ सरकार यह चाहती है कि खुले में शौच महिलाएं और बच्चे न जाएं, इसलिए सामुदायिक शौचालय का निर्माण गांव-गांव में कराई है और करीब करीब सभी ग्राम पंचायत में लाखों रुपए की लागत से यह सामुदायिक शौचालय बनवाया गया है, लेकिन यहाँ यह सामुदायिक शौचालय बेकार साबित हो रहा है।